कांग्रेस नेता ने कहा, जब ये सवाल पूछा जाता है कि 70 सालों में देश में क्या हुआ, तभी हमारे किसान उनके माता पिता मजदूरों कारीगरों और हमारे छोटे व्यवसायियों का अपमान करते हैं। कांग्रेस पार्टी का अपमान नहीं करते हैं, भारत की गरीब जनता ने खून पसीना देकर बदलाव किया है। राहुल गांधी ने यह बात छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कही। कांग्रेस नेता ने कहा, आज ये चाहते हैं कि जिन करोड़ लोगों ने इस देश को बनाया है उन्हें परे कर दिया जाए और 100-200 लोगों को देश का पूरा धन पकड़ा दिया जाए। भारत में 100 सबसे अमीर लोगों के पास देश की 40% आबादी से ज़्यादा धन है। वायनाड सांसद ने कहा कि हिंदुस्तान अलग अलग विचारधाराओं संस्कृतियों भाषाओं वाला एक गुलदस्ता है, लेकिन वे चाहते हैं कि एक ही विचारधारा इस पर शासन करे। लेकिन मैंने कल संसद में कहा था कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम बीजेपी को असली हिंदुस्तान दिखाएंगे। भारत में ये एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी हमारे देश को दो नए राष्ट्रों में बांट रही है, एक चुनिंदा अरबपतियों के साथ और 100-500 लोगों के साथ और दूसरा करोड़ों गरीबों के साथ। उन्हें लगता है कि भारत के गरीब डरे हुए हैं, लेकिन वे किसी से डरते नहीं। विकास किसी पार्टी तोहफा नहीं बल्कि गरीब किसानों का प्रयास है।